जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके सामने एक नई औषधि लेकर के आए हैं, धनिया। वैसे तो हर जगह मिल जाती है और बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप इनके फायदों से अवगत नहीं होंगे। हम आपको बताते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। पोटेशियम, जी हाँ दोस्तों, इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होती है, या यूँ कहें उसको कंट्रोल करने की एक अचूक औषधि होती है। जी हाँ दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या भी आजकल आम बात हो गई है, तो इससे अगर आपको निजात पाना है तो उसके लिए भी धनिया बहुत ही लाभकारी औषधि है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों, धनिया में विटामिन के की मात्रा पाई जाती है, और वैसे आप जानते हैं कि विटामिन के की मात्रा बहुत ही कम औषधियों में पाई जाती है, और ये जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि देखते हैं अमूमन क्या होता है कि किसी की अगर हड्डी टूट जाती है तो जल्दी जुड़ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन के की मात्रा कम होगी तो फिर प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और ये बोन्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है धनिया, क्योंकि उसमें विटामिन के की मात्रा पाई जाती है। धनिया में दोस्तों प्रोटीन की भी मात्रा पाई जाती है, और ये प्रोटीन जो है, मैंने बताया था आपको, आपने ध्यान से सुना होगा, तो ये प्रोटीन जो है यानी कि पोटैटो में भी पाया जाता है, लेकिन जो धनिया में पाया जाता है वो एक अलग तरह का प्रोटीन होता है दोस्तों, ग्रीन प्रोटीन, जो कि आपको ही नहीं धरती पे जितने भी लोग हैं, सेक्स सभी को करना होता है, और उसमें बहुत सारे लोगों को मन में भ्रांतियाँ, डर, ये वो रहता है, तो उसमें क्या होता है, ये आपकी सेक्स क्षमता को बहुत ही इंक्रेज करता है, आप पावरफुल महसूस करते हैं, तो इसलिए भी धनिया बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है दोस्तों। नमस्कार, हम आपको एक और टॉपिक पर अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।